इतने ज्यादा कमेंट्स आए थे ना अपनी पिछली वीडियो पे कि दही भड़े ऐड कर दे, चना चाट ऐड कर दे, समोसे पकोड़े ऐड कर दे, क्योंकि ये भी बन रहा होता तो इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और रमजान डाइट प्लान लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने मेरा पिछला रमजान डाइट प्लान नहीं देखा वो अभी जाके वो डाइट प्लान देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस का डाइट प्लान भी मैंने शेयर किया हुआ है रमजान का, और डायबिटीज शुगर के मरीजों के लिए भी डाइट प्लान शेयर किया हुआ है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आप में से किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है या शुगर का मसला या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, तो वो वाला डाइट प्लान उनके लिए बेस्ट है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू विद आवर डाइट प्लान। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या टारगेट है, कि आपने ईद तक कितना वेट लॉस करवाना है। आप में से कितने लोग मेरा डाइट प्लान ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं प्री रमजान डाइट प्लान, और उन्होंने उससे कितना वेट लॉस करवा लिया है। अब सहरी की बात करें तो सबसे पहली जो ऑप्शन है आपके पास वो ऑटमील की है, दलिया की है। अगर आपको वो खाना पसंद है तो आप 3 टेबल स्पून ओटमील लेंगे और उसको पकाकर उसके अंदर हाफ कप मिल्क आप ऐड करेंगे। हाफ कप मिल्क आपने अपने ओटमील में इंक्लूड कर लेना है। जो बाकी हाफ कप मिल्क होगा वो आपने वैसे ही पी लेना है, या फिर हाफ कप दही ले लेनी है, 8 टेबल स्पून दही खानी है। क्योंकि सहरी है ऑब्वियसली दही के बगैर किस तरह से गुजारा हो सकता है, तो इस तरह से आपने हाफ कप अपना मिल्क ऐड कर देना है ओटमील में और हाफ कप दही ऐड कर दही ले लेनी है। साथ में आप नट्स का इस्तेमाल करेंगे, 6 बादाम भी हो सकते हैं, 3 अखरोट भी हो सकते हैं, किसी भी किस्म के नट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ओटमील पे एज अ टॉपिंग। और उसके साथ एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा फ्रूट ले लें, एक फ्रूट पूरा ले लें, इट्स अप टू यू। दूसरी ऑप्शन जो है वो वही है जो इन जिन लोगों को पराठा खाना पसंद है, रोटी खाना पसंद है सहरी के लिए, तो वो आधा पराठा इस्तेमाल करेंगे अपनी सहरी में, उसको 1 टीस्पून ऑयल में बनाएंगे, 6 इंचेस पराठा होगा। और उसके साथ उन्होंने चिकन का सालन लेना है या फिर ऑमलेट ले सकते हैं, और ऑमलेट में भी ढेर सारी वेजेस जरूर ऐड कीजिएगा, और अगर चिकन ले रहे हैं तो चिकन के साथ भी सब्जी जरूर ऐड करें। साथ में हाफ कप दही आप इसके लेंगे। चाय का इस्तेमाल सहरी में ना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप कर सकते हैं। किस तरह से आपने चाय बनानी है वेट लॉस करवाने के लिए तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। अब अफतारी की बात करें तो अफतारी पे मुझे इतने ज्यादा कॉमेंट्स आए थे ना अपनी पिछली वीडियो पे कि दही भड़े ऐड कर दे, चना चाट ऐड कर दे, हमने ये भी खाना होता है, समोसे पकौड़े ऐड कर दे, क्योंकि ये भी बन रहा होता तो इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अफतारी में चना चाट को प्रेफर करना है, दही बड़े भी ले सकते हैं, बट एक हेल्दी ऑप्शन जो है वो चना चाट है। आपको चना चाट पसंद है और आप हेल्दी ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं, इन दोनों में से कंफ्यूज है कि क्या बेहतर चीज है, तो वो चना चाट है, क्योंकि चने जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में है, जबकि दही भरे में जो भरे हैं वो रिफाइंड कार्ब्स है, तो बेहतर ये है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएंगे। और दही भरों में वैसे भी भड़े काफी डाले होते हैं, फिर उसमें आलू भी आ जाते हैं, तो आपने अपने चना चाट में आलू नहीं डालने। साथ में आप 2 से 3 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इफ्तारी में, और मीठे मशरूबात को यहाँ पे अवॉइड करना है, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। आप लेमनेड ले लें, आप कोई नेचुरल ड्रिंक लें जिसमें आपने मजीद शुगर ऐड ना की हो, तो ये चना चाट तो आपने ले लेनी है ना डेली बेसिस पे। और जब अब बात आ गई है समोसे पकौड़े की, तो वो सबके घरों में बन रहा होगा, तो आपने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो इसके टिप्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर उसको जरूर देखिएगा कि किस तरह से आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है दिस रमजान। अपनी प्लेट में सबसे पहले तो आप चना चाट अपना लेंगे, एंड देन अपनी प्लेट में 1 से 2 कोई भी तली हुई चीज ले लें, इससे ज्यादा अवॉइड करें, और उसको हमेशा एंड पे खाएं। मजीद किस तरह से आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, किस तरह से हेल्दी ईटिंग करनी है इस रमजान में, मजीद जो मैंने टिप्स दी हुई हैं तली हुई चीजों को खाने की, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन अफतारी में फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट आपको खाने पसंद है तो आप इस टाइम पे फ्रूट चाट ले लें, 2 फ्रूट्स का आपने फ्रूट चाट बनाना है, ज्यादा फ्रूट्स नहीं लेने। इसके बाद जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो अपनी इफ्तारी के 1 घंटे के बाद चाय पी लें, और उसके 1 घंटे के बाद फिर आप अपना डिनर ले सकते हैं, जिसमें आपने आधी सादा रोटी लेनी है, होल व्हीट की बनी हुई रोटी हो, और साथ में शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 शामी कबाब। अब दूध सोडा भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इफ्तारी के टाइम पे, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है, इससे बेहतर है कि आप दूध का गिलास खाली पिए, उसमें बोतल ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है,
तो बेहतर यह है कि आप दूध सोडे के बजाय दूध बाद में इस्तेमाल कर लें या मिल्क शेक पी लें, वो बेटर ऑप्शन है, बट दूध सोडा नॉट एट ऑल। नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था सबसे कि आपकी क्या रूटीन होती है अफ्तारी के बाद, लाइक मील्स आप किस तरह से ले रहे होते हैं, लाइक आप अफ्तारी के बाद डायरेक्ट डिनर करते हो या फिर अफ्तारी का ही लेफ्ट ओवर खाया जा रहा होता है या फिर उसके बाद एक और स्नैक भी ले रहे होते हैं डिनर के बाद। तो ज्यादातर लोगों ने यही आंसर किया था कि वो अफ्तारी और डिनर करते हैं, तो इसलिए फिर मैं उसी रूटीन के अकॉर्डिंग आपके लिए डाइट प्लान लेकर आई हूँ। और एक्चुअली मैं यही वेट लॉस करवाने की बेस्ट रूटीन है रमजान में, लाइट सी आपकी अफ्तारी हो और डिनर फिर हो प्रॉपर, इससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी होती है। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें जो भी अपना वेट हेल्दी वे में ग्रेजुअल वे में वेट लॉस करवाना चाह रहे हैं, उनसे ये डाइट प्लान जरूर शेयर करें। और किस टाइम पे आपने रमजान में एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो इस पे मैं वीडियो एक और अपलोड कर चुकी हूँ प्रॉपर वाली, उसको मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखें। और जो जो इस डाइट प्लान को फॉलो करना स्टार्ट करें वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ये डाइट प्लान आपको हेल्दी वे में और बैलेंस्ड और ग्रेजुअल वे में वेट लॉस करवाएगा, खाते पीते वेट लॉस करवाएगा, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और कस्टमाइजेशन तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, आपकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग इस डाइट प्लान में चेंजेस की जा सकती हैं। तो अगर आप कस्टमाइज प्लान बनवाना चाह रहे हैं अपने लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका तमाम पैकेजेस की डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।